स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए आज हम देखते हैं कि जो वायरलेस माउस होता है उसका इंटरनल सर्किट एंड इंटरनल कंपोनेंट कौन से होते हैं एंड हाउ इट इज़ वर्क, कैसे ये काम करता है। तो ये हमारे पास एक वायरलेस माउस अवेलेबल है जो कि ब्लूटूथ, ये इसका मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल है। हम लैपटॉप पीसी में भी ये मॉड्यूल ब्लूटूथ लगा के और ये वायरलेस सिग्नल जो है माउस सेंड करेगा कंट्रोल सिग्नल और फादर इसकी जो है वर्किंग होगी। तो इसको ओपन करके देखते हैं हम क्या है। मैंने ऑलरेडी इसको अनस्क्रीव किया हुआ। तो ये हमारे पास इंटरनल सर्किट अवेलेबल है। मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली सबसे पहले इसकी वर्किंग जो है, जो मेन कंट्रोल पार्ट है, दिस इज़ आवर LED जो कि एक सिग्नल जो सेंड करेगी और नीचे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ जो कि ग्राउंड की तरफ सिग्नल जाएगा और वापस वहां से रिफ्लेक्ट होके इस ऑप्टिकल सेंसर की तरफ पहुंचेगा। दिस ऑप्टिकल सेंसर फर्दर जो है उसको डीकोड करके कंट्रोलर को प्रोवाइड करेगा। हम इसकी सर्किट डायग्राम भी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। एंड दिस इज़ अ स्क्रोल व्हील, जैसे आप देखते हैं अपने लैपटॉप या पीसी के ऊपर जो आपका स्क्रीन आपके सामने ओपन है उसको आप अपन डाउन या कोई डॉक्यूमेंट करते हैं, तो ये स्क्रोल जो व्हील है इससे ये एक तरह से पोटेंशियोमीटर की तरह ये काम करेगा इंटरनली। जैसे ही ये मूव करता है सब फर्दर आप इस तरफ इसके जो स्विच लगा हुआ है एंड आई विल शो यू। सो ये देखिए जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और ये फर्दर नीचे जो स्विच है वो भी प्रेस हो रहा है। तो इसी तरह से ये सिग्नल जो है कंट्रोल सिग्नल फर्दर कंट्रोलर के पास पहुँचता है। दिस इज़ जो जर्नल क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक हमारे पास अवेलेबल है और इस तरह से हम प्रेस करते हैं और ये राइट क्लिक है ये भी कंट्रोलर की तरफ जाएगी और कंट्रोलर को क्रिस्टल यानी कि क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए ये क्रिस्टल अवेलेबल है। फर्दर जो स्पोर्ट सक्रिय सर्किट जो कि कैपेसिटर चाहिए होंगे वो है और पावर सप्लाई के लिए ये कैबिनेट अवेलेबल है जहाँ पर हम एक ड्राई सेल जो AAA जो कि कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पर दो लगा सकते हैं 1.5 के और ये भी सेंटर स्विच रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी सर्किट डायग्राम भी देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और अगर इसकी आप PCB को भी देखें ये PCB इंटरनली पहले डिज़ाइन कर ली जाती है। ठीक है जी, और डिज़ाइन करके फर्दर का जो कंपोनेंट है फैब्रिकेट कर दिए जाते हैं। देन आप पूछोगे कि जो कंट्रोलर है वो इसका कहाँ पर अवेलेबल है। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। इसके ये बैक में जो है यहाँ पर चिपके ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं इंटरनली बहुत स्मॉल मेमोरी और जो कंट्रोलर है वो फैब्रिकेट किया हुआ है। अभी हम इसकी सर्किट डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक डायग्राम की कैसे ये वर्क करती है। तो चलिए अभी सर्किट डायग्राम की बात करते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे वर्क करती है। सो सर्किट डायग्राम देखते हैं कैसे वर्क करती है। तो ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम अवेलेबल है जिसमें माउस कंट्रोलर है जिसका मेन वर्क है सारे से इनपुट लेके आउटपुट प्रोवाइड करना। ये ऑप्टिकल माउस सेंसर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंसर कैसे काम करता है। यहाँ पर एक IR LED लगी हुई है जो सिग्नल जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेगी रिफ्लेक्ट करके और यहाँ पर ऑप्टिकल माउस सेंसर जो है वो फोटो डिटेक्टर यानी कि लाइट सेंस करने का सेंसर लगा होगा जो फादर सिग्नल को डीकोड करके माउस कंट्रोलर को प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे इंटरफेस कंट्रोल पर्पस के लिए है। ऑप्टिकल माउस को कैसे कंट्रोल करना, स्क्रोल व्हील के साथ भी जैसे मैंने आपको स्विच दिखाया था तो ये स्विच अवेलेबल है जो स्विच वोल्टेज सॉरी जो स्विच आपका प्रोवाइड करेंगे प्रेस करेंगे वो उसको इनकोड करके फादर माउस कंट्रोलर को प्रोवाइड करेगा। तीन तरह के मैंने क्लिक्स बताए थे लेफ्ट राइट एंड सेंटर, उनके स्विच अवेलेबल हैं।
ये भी एक तरह से जैसे ही प्रेस ऑन ऑफ होंगे वो सारी इंफॉर्मेशन माउस कंट्रोलर के जाएगी, माउस कंट्रोलर फादर उसके बिहाफ पे ही सारी कंट्रोल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। और माउस कंट्रोलर को जैसे क्लॉक सिग्नल चाहिए, उसके लिए क्रिस्टल मैंने आपको दिखाया था, और डेटा यहाँ से सिग्नल जाएगा और पावर सप्लाई और ग्राउंड टर्मिनल जो प्रोवाइड करने के लिए फर्दर सर्किट आप देख रहे हैं। यहाँ पर ऑप्टिकल माउस सेंसर को भी क्रिस्टल ऑसिलेटर चाहिए, तो वहाँ पर भी हम लगाया है। ये जो Q1 आप देख रहे हैं बेसिकली ये एम्पलीफाई करने के लिए जो सेंसर का सिग्नल जो होता है काफ़ी कम वैल्यू का, उसका फर्दर एम्पलीफाई करके एक ऑप्टिकल माउस सेंसर को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये इंटरफेसिंग का है, जिसमें कंट्रोलर जिसमें सेंसर से इनपुट लेगा या स्क्रोल भी, और ये तीन स्विच से इनपुट लेगा और उसके बिहाफ पे सिग्नल जनरेट करेगा। और वो सिग्नल जैसे कि क्योंकि हम वायरलेस की बात कर रहे हैं, तो वायरलेस के लिए कोई जैसे मॉड्यूल इंटरनली होगा जो कि उसको ब्लूटूथ सिग्नल में कन्वर्ट करके, ये हमारे पास जो ब्लूटूथ रिसीवर होगा जो कि लैपटॉप और पीसी भी में वो फर्दर सिग्नल रिसीव करेगा और जो लैपटॉप और पीसी होगा उसको फर्दर प्रोसेस करेगा। तो इस तरह से बेसिकली वायरलेस माउस सर्किट डायग्राम जो है वर्क करता है। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो सजेशंस के लिए कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।